हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ स्वेतलाना आपके साथ। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। आज मैं एक छोटा सा ब्लॉग बनाने वाली हूँ जहाँ हम घूमने जा रहे हैं। पहले भी घूमने जाने वाले थे न्यू ईयर में, लेकिन मम्मी और मेरा थोड़ा सा तबीयत खराब हो गया था, इसलिए हम जा नहीं पाए। इसलिए हम सडनली कुछ प्लानिंग बनाए मम्मी और मैं कि हम जाने वाले हैं नंदनकानन, जो भुवनेश्वर में है। और हम कटक में रह रहे हैं, तो मेरे धन्नों के साथ जाने वाले हैं, मतलब स्कूटी से जा रहे हैं हम नंदनकानन। वहाँ जो जो सब मैं देखूंगी, आप सबको भी दिखाऊंगी, थोड़ा थोड़ा शॉर्ट्स लूंगी। और बहुत बड़ी बात यह है कि मैं कभी यूँ नहीं गई, उड़ीसा में रहकर भी कभी नंदनकानन नहीं गई थी। ये फर्स्ट टाइम जा रही हूँ। देखते हैं कितना मजा आएगा। बहुत भीड़ होगा क्योंकि न्यू ईयर है, बहुत सारे लोग आए होंगे घूमने के लिए, तो बहुत भीड़ होगा। फिर भी कोशिश करूंगी थोड़ा बहुत शॉर्ट्स लेने के लिए और आपके साथ शेयर तो जरूर करूंगी। चलो फिर मिलते हैं वहाँ। मैं आपको पहले बता देती हूँ, मैं उड़ीसा की लड़की हूँ, मेरी लैंग्वेज है उड़िया, लेकिन मैं ये वीडियो को हिंदी में बना रही हूँ क्योंकि अगर मेरी वीडियो कोई नॉन उड़िया आदमी देखेगा तो उसको मेरी लैंग्वेज समझ में नहीं आएगी, इसीलिए मैं हिंदी में बना रही हूँ। हम त्रिशूलिया ब्रिज होकर जा रहे हैं क्योंकि यहाँ से बहुत कम टाइम लगता है नंदनकानन के लिए। नंदनकानन का पार्किंग एरिया बहुत बड़ा था। मैं मम्मी को मोबाइल पकड़ा के खुद चली गई स्कूटी पार्किंग करने के लिए और मम्मी वीडियो रिकॉर्डिंग कर रही थी। मैं सोच रही थी मुझे पार्किंग के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि न्यू ईयर है, तो बहुत सारा लोग आए होंगे तो भीड़ बहुत होगा, लेकिन उतना टाइम नहीं लगा, मतलब बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा। बहुत कम लोग आए हुए थे या फिर पार्क करके वो चले गए थे, लेकिन उतना टाइम नहीं लगा हमें। मुझे पार्किंग के लिए 20 रुपये चार्जेस लगे थे। मम्मी और मैं बहुत एक्साइटेड थे, पहली बार आए हैं। और उसके बाद हम टिकट काउंटर गए टिकट करने के लिए। टिकट करने के लिए सिर्फ एक जन को ही छोड़ रहे थे अंदर टिकट काउंटर तक, तो सिर्फ मैं ही गई और मुझे चार्जेस लगे पर हेड 50 रुपये। और मुझे DSLR लेके जाना था, मुझे लग रहा था चार्जेस लगेगा, लेकिन वो फ्री एंट्री था। आने के बाद हम पहले टाइगर और भालू सेक्शन गए थे और सामने से ही मिल गया था एक चिल्ड्रंस पार्क, बहुत सारे बच्चे खेल रहे थे, बहुत बहुत अच्छा लग रहा था देखने में। भालू सेक्शन में देखे कोई कोई भालू बहुत छुपे हुए थे, मतलब बहुत दूर में थे और ऐसे जगह थे जो अच्छे से दिख भी नहीं पा रहे थे। और बहुत सारे भालू एक पेड़ के ऊपर खड़े होकर बहुत मज़ा ले रहे थे और देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत एंजॉय किए हम। उसके बाद हम एक्वेरियम गए। मुझे मछलियाँ देखना बहुत पसंद है, घर में रखना चाहती हूँ लेकिन मम्मी रखने नहीं दे रही है, और मुझे जहाँ पर भी मौका मिलता है एक्वेरियम जाने का तो मैं घुस जाती हूँ वहाँ पर। और इतना भीड़ था, वीडियो रिकॉर्डिंग करने में बहुत प्रॉब्लम हुआ, कोई आगे जाकर वीडियो रिकॉर्डिंग करने नहीं दे रहे थे, वो सारे लोग आगे ही खड़े हुए थे, बहुत प्रॉब्लम हुआ, लेकिन जितना भी हो पाया उतना मैं रिकॉर्ड कर ली और थोड़ा बहुत फ़ोटो भी ली, बहुत अच्छा लगा देखने में। उसके बाद हम बर्ड सेक्शन गए, बहुत सारे छोटे बड़े बर्ड्स थे, बहुत सुंदर सुंदर आवाज़ कर रहे थे। एक पैरट था, वो तो बहुत ही चिल्ला रहा था, बहुत सुंदर लगा था उसका आवाज़। ये वीडियो में बहुत छोटा दिख रहा है लेकिन बहुत ही बड़ा था और बहुत डेंजरियस, मतलब बहुत भयंकर भी दिख रहा था।
मेडिकल सेक्शन में बहुत ज़्यादा भीड़ था, उतना अच्छे से हम देख नहीं पाए और ऊपर से वो लोग बहुत दूर थे तो उतना क्लियर शॉट, क्लोज शॉट नहीं ले पाए थे। कुछ कुछ जगह में तो दिख भी नहीं रहे थे कहाँ पर थे, छुपे हुए थे या कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, ऊपर से बहुत दूर में थे, बहुत मुश्किल हो रहा था उनका शॉट लेने के लिए। फिर भी जितना भी दिखे बहुत सुंदर थे और बहुत बड़े थे। इतना चल चल के पैरों में बहुत दर्द होने लगा था, मम्मी मुझसे बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो हम सोचे कि 10 मिनट के लिए कुछ रेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद आगे का देखेंगे और थोड़ा पानी भी पी लेते हैं, गला भी सूख गया था। उसके बच्चों को देखने के लिए, लेकिन मेघा दिख गई पर उसके बच्चे नहीं दिख पाए, शायद बच्चे बड़े हो गए थे या फिर कहाँ कहीं घूम रहे थे। तभी हम आए हाथी देखने के लिए, हाथी के जगह पे भी बहुत भीड़ था, फिर भी मतलब उतना स्पेस था जैसे कि हम हाथी को देख भी पाए बहुत अच्छे से। यहाँ पर भी हम 5-10 मिनट रुके, बहुत सारा फ़ोटो लिए, क्योंकि फ़ोटो लेने के लिए बहुत अच्छा अच्छा व्यू था, तो बहुत सारा फ़ोटो लिए, थोड़ा बहुत फ़ोन करके घर में बात भी हुआ। उसके बाद हम गए जो जानवर रात में दिखाई देते हैं उनको देखने के लिए, एक गुफा जैसा बना हुआ था, बहुत सुंदर दिख रहा था बाहर से, और अंदर जाने से तो और ही मतलब एक्साइटमेंट बढ़ गया देखने के लिए। एक ऐसा लाइट लगा हुआ था जैसे कि रात हुआ हो, लेकिन एक्साइटमेंट फेल हो गया, कोई भी जानवर नहीं दिखाई दिए, पता नहीं कहाँ थे उनको भी पता है रात का माहौल बनाने से क्या होगा, बाहर अंधेरा नहीं दिन है, और ऐसे ही निराश होकर बाहर आ गए हम। उसके बाद हम हिरन देखने आए, बहुत सारे हिरन थे, बहुत छोटे बड़े बहुत टाइप के हिरन थे, बहुत सुंदर दिख रहे थे। वहाँ पर भी हम 5 मिनट रुके, थोड़ा बैठे, फ़ोटो लिए और आगे बढ़े। बहुत सारे लोग आए हुए थे उनको भी देखे, इतना सुंदर सुंदर जानवर देखे जो सब हम कहीं वीडियो में देख रहे थे या टीवी में देख रहे थे, सामने से देखने से बहुत मतलब उसका मज़ा ही अलग है, और देखने में भी बहुत सुंदर थे। और बहुत सारे हम मतलब जगह कवर नहीं कर पाए थे, कोई कोई जानवर हम नहीं देख पाए थे, ऊपर से बहुत देर हो रहा था, बहुत दूर से आए थे, घर में भी बार बार फ़ोन कर रहे थे, अंधेरा होने से पहले घर जाना था, लेकिन जितना भी कवर किए बहुत अच्छा लगा, और सोचे हैं अगली बार आएंगे तो जो नहीं देख पाए थे उसको भी कवर करेंगे। सुंदर पेंटिंग किया गया था, वहाँ पर हम रुके, बहुत सारा फ़ोटो लिए। लंच का टाइम हो गया था और बहुत जोर की भूख लगी थी, तो सोचे कुछ खा लेते हैं, फिर हम वहाँ पे उसके अंदर ही जो कैंटीन था वहाँ गए हम और नूडल्स खाए। खाने के बाद मम्मी बोली कि उनका मतलब पेट बहुत दुख रहा है, वो नहीं चल पाएंगी, और मैं भी बहुत थक गई थी और घर भी जाना था, अंधेरा हो जाएगा तो जाने में दिक्कत होता, तो फिर खाने के बाद हम हमारा घूमना यहीं बंद किए। नूडल्स हमको पर प्लेट 50 रुपये लगा था, लेकिन उतना 50 रुपये का कोई टेस्ट नहीं लगा, ठीक ठाक ही था। अब हम आ गए एग्जिट की ओर, वहाँ पर भी थोड़ा बहुत फ़ोटो लिए, फिर निकले बाहर की ओर। Thank you.
घर आ गए थे हम। उसके बाद हम पार्किंग लॉट गए, वहाँ से हम अपना स्कूटी लिए और घर के लिए निकले। रास्ते में मम्मी को दिख गया कुल्हड़ वाली चाय, और ठंड का मौसम है और चाय ना हो तो ये तो इम्पॉसिबल है। वहाँ पर रुके हम चाय पे, एक डॉगी था जो दौड़ा आया मुझे देखकर, फिर मुझे मतलब मेरे पैर को चाटने लगा, तो फिर मैं एक बिस्किट ली और उसको दी, बहुत अच्छा लगा। सो फ्रेंड्स, मेरी आज की वीडियो इतना ही। मैं आशा करती हूँ आपको मेरी ये ब्लॉग बहुत अच्छी लगी हो। सो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।